Everyone, my name is Jagriti Dhadwal and I have qualified UGC NET LS twenty twenty two with one ninety four marks. I want to say thanks my parents, my husband, my five years old child, and I think he have suffered a lot from my studies, my family. My friends, Almighty God, and the special thanks to the whole ASA Science Foundation team because by their right guidance it was uh, possible for me to crack the exam. Uh, the study material of ASA Science Foundation is so concise and so precise that everybody can crack the exam very easily. Uh, I want to special thanks. To Our Gaurav sir, and heartful thanks, especially heartful thanks to the Gaurav sir, because by your right guidance, it my dream comes true. And uh, I feel I can say I want to say that I feel blessed that I am your student, sir. I want to say special thanks to the whole ASA Science Foundation team. I want to thank Ranjan, ma'am, Neha, ma'am, Ali, sir. तानिया मैम अभिषेक सर अंकिता मैम उत्कर्षणी मैम रिचा मैम हिमांशु सर शुभांगी मैम शिल्पी मैम श्रुष्टि मैम एंड द वेरी स्पेशल थैंक्स टू आर सुमित सर द वे ही टीच्स पेपर वन द मैथमेटिक्स पोर्शन एंड द रीजनिंग इज ऑसम दट आई कैन से दैट इट uh, अगर मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है गौरव सर हमेशा अपनी क्लास में कहते हैं कि आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो सर uh, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि uh, कहा जाता है कि अध्यापक वो है या टीचर वो है जो खुद जलता है और अपने स्टूडेंट्स uh, को प्रकाशित करता है या उनको सही दिशा में ले जाता है तो सर आप भी वही टीचर हैं जो खुद हार्डवर्क करके हमें राइट गाइडेंस देते हैं और अ, मेरा ये ड्रीम आपकी राइट गाइडेंस और आपकी आउटस्टैंडिंग फैकल्टी के द्वारा पूरा हो पाया है क्योंकि अ, बींग uh, मदर मेरी भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने इन लॉज के साथ रहना फ़ैमिली में रहना ये कोई एक ईजी टास्क नहीं था कि आराम से एग्ज़ाम कर लो कई बार बच्चा बीमार हो जाता है वो बोलेगा कि मुझे मम्मा के साथ रहना है मेरी क्लास चल रही थी और उस उस टाइम कोविड का था तो उसकी भी क्लासेज स्टार्ट uh, हुई थी तो मेरी और उसकी क्लासेस कई बार क्लैश होनी फिर उसने नहीं ममा आप पढ़ते रहते हो मैं मैंने आपके साथ पास रहना है कई बार मुझे लगता था कि छोड़ देते हैं पढ़ाई वगैरह क्या हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है पर ये जो गूगल क्लासरूम की फैसिलिटी सर आपकी फाउंडेशन ने प्रोवाइड कराई है ये मेरे लिए मेरे लिए ही क्या आपकी फाउंडेशन में जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बोन की तरह काम करती है बिकॉज़ कई बार कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारी क्लासेस स्किप हो जाती हैं पर कभी ऐसे लगा ही नहीं कि क्लासेस स्किप हो गई क्योंकि अगर जब भी नींद खुल रही है अच्छा आज क्लास स्किप हो गई है तो हम अपना आराम से आ, अपनी लास्ट क्लास देखेंगे एक क्लास स्किप हो गई दो क्लास स्किप हो गई तो आराम से हम उसको आराम से ओवरकम कर लेते थे कोई भी आप आपको डाउट आता है आप ग्रुप में डालिए ग्रुप में तो हम बाद में जाते हैं पहले हम अपनी लास्ट क्लास ज़रूर देखते हैं कि लास्ट क्लास में पढ़ाया क्या गया था और हमारी और स्पेशली सर जो फैकल्टी आपकी है आप हमेशा बोलते थे कि आ, आप अपना डाउट पूछो डाउट पूछो है ना डाउट है तो शोर मचाओ चुप नहीं रहना है तो फिर अगर आप अभी अपना डाउट पूछोगे और शोर मचाओगे तो बाद में आपकी सक्सेस शोर मचाएगी तो वैसे ही है कि आ, मुझे ऐसे लगता था कि आ, मुझे भी कई बार डर लगता था कि कैसे डाउट पूछना है पर सर बोलते थे हमेशा कि अपना डाउट नहीं पूछोगे तो आप सफ़र करोगे मैंने पहले दो दिए और मेरा बहुत कम कम मार्जिन से एग्ज़ाम नहीं हो पाया और उस वक्त बहुत डी मोटिवेट भी मैं हुई पर हमेशा गौरव सर जब भी हमारा रिजल्ट आता है तो पूछते हैं कि कैसा रहा कैसा हुआ एग्ज़ाम हमेशा बच्चों को ग्रुप में मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं है ना पर सर आपकी जो वो मोटिवेशन है वो एक ऐसा है कि जैसे कि कोई डूब रहा है और उसको सहारा मिल गया है कि वो एक जैसे कि कोई बहुत परेशान है और उसको बिल्कुल उस प्रॉब्लम से बाहर ले आती है और सर सीरियसली मैं कहना चाहूँगी कि हमारे इसमें भी बोला गया है कि जो गुरु है उसको हमेशा भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो सर मेरे लिए भी सर uh, आप आपकी पूरी टीम भगवान से भी ऊपर हैं क्योंकि भगवान तो हमारी सहायता करते हैं पर आप उस रा आपने उस उस सपने को मेरे पूरा किया है जो इम्पॉसिबल था मेरे लिए और मुझे लगा था कि अब तो क्या ही होगा अब अपनी स्ट्रीम छूट चुकी है अब इतना टाइम हो गया है अब नहीं हो पाएगा और जब ऑनलाइन सेशन लिया तो ऐसे सब बोलते थे कुछ नहीं होता ऐसे कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो ऑनलाइन सेशन देते हैं पर सच कत... बता रही हूँ कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये एक ऑनलाइन सेशन है क्योंकि इंटरेक्शन इतनी अच्छी थी कि इतनी इंटरेक्शन तो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होती थी डाउट डाउट जो आ रहा है पूछो और इतनी मतलब टफ से टफ टॉपिक को हमें रंजन मैम ने गौरव सर ने तानिया मैम ने स्टार्ट्स कराई और स्टार्ट्स मेरे लिए एक, एक वो था कि डर था कि मैं कैसे करूँगी और स्टार्ट्स से बहुत से क्वेश्चंस आते थे और उन्होंने इतनी इतने अच्छे इतने स्मूथ तरीके से हमें करवाई कि मुझे ऐसे लगता है अगर मैं मैथ्स कर सकती हूँ मैं स्टैट्स कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है क्योंकि एक मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मैथ्स पोर्शन से वो डरते हैं पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें करवाया गया हमें हर एक चीज़ को कवर किया गया और मुझे तो ऐसे लगता है कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको हमेशा गाइडेंस तो मिलती है पर सही गाइडेंस राइट गाइडेंस आपको इन्वामेंट साइंस की फील्ड में वर्ल्ड में कहीं भी जाना है तो ये आपको हमेशा पूरी टीम अकेले गौरव सर नहीं पूरी ए एस एस साइंस फाउंडेशन टीम एक परिवार की तरह अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं सर अगेन आई वॉन्ट टू से थैंक्स थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच